हेलो नमस्ते शश्रीयकाल। अगर आपके घर में कोई पार्टी है और आपने अभी तक स्टार्टर नहीं सोच रहा है तो आप बना सकते हो ये आसान सी मशरूम टिक्का की रेसिपी, जिसे आप घर में बिना अवन के आसानी से तवे पे ग्रिल करके बना सकते हो। तो चलिए इस स्वादिष्ट और हेल्दी मशरूम टिक्का को बनाना स्टार्ट करते हैं। मशरूम टिक्का बनाने के लिए हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता है, आप इसे नोट डाउन कर लें। मशरूम टिक्का बनाने के लिए आप सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में 2 टेबलस्पून हंकर्ड ऐड करें। अब आप गैस ऑन करके एक तड़का पैन चढ़ाएं, उसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करें और उसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालें। 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे और इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि बेसन का रॉ फ्लेवर चला जाए, और इस तड़के को हम हंकर्ड में ऐड करेंगे जिससे कि मशरूम टिक्का में एक काफी अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे जिससे कि टिक्का में काफी अच्छा कलर आएगा, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और आधा नींबू का रस डालकर इन सारे मसालों को अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। अब आप इसमें 200 ग्राम क्लीन बटन मशरूम ऐड करेंगे, 1 मीडियम साइज शिमला मिर्च और प्याज को बड़े टुकड़ों में काट कर डालें और इसे जेंटली मसालों के साथ मिक्स कर लें। लास्ट में आप 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालकर इसे जेंटली मिक्स कर लें। ऑयल डालने से मसाले मशरूम के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएंगे। मशरूम को हमने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब आप इसे ढककर रेफ्रिजरेटर में मिनिमम 1 आवर के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। 1 घंटा हो चुका है और हमने मशरूम टिक्का को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल लिया है। अब आप इसे जेंटली एक बार मिक्स कर लें और अब हम इसे बैम्बू स्क्यूअर्स में अरेंज करेंगे। अब हम बैम्बू स्क्यूअर्स लेंगे जिसे हमने 30 मिनट्स के लिए वाटर में सोक कर रख लिया था। अब आप सबसे पहले एक शिमला मिर्च डालें, प्याज डालें और मशरूम को सेंटर से प्रिक करते हुए डालें और सेम सीक्वेंस को रिपीट करें आप, और इस तरह से आप बैम्बू स्क्यूअर्स में मशरूम टिक्का को अरेंज कर लें और बाकी के भी स्क्यूअर्स को आप इसी तरह से बना लें। तो मैंने यहाँ पे 3 मशरूम टिक्का को बैम्बू स्क्यूअर्स में अरेंज किया है, बाकी के मशरूम टिक्का को मैं बाद में बनाऊंगी। तो चलिए इसे पैन में हम पहले सेक लेते हैं। गैस ऑन करके आप एक पैन चढ़ाएं और इसे ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, अब आप मशरूम टिक्का को एक एक कर डालें। अब आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल स्प्रेड कर दें और इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पलटते हुए चारों तरफ से अच्छे से इसे सेक लें। अब आप देख सकते हो कि मशरूम टिक्का बिल्कुल परफेक्ट चारों तरफ से सेक कर तैयार है। तो अब आप तवे को साइड में रखें और इसे स्मोकी तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पे 30 सेकेंड्स के लिए सेक लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के भी टिक्का को सेक कर तैयार कर लेंगे। तो ये बिल्कुल तैयार है मशरूम टिक्का आपके गेस्ट को सर्व करने के लिए। मशरूम टिक्का को आप सर्व करें हरे धनिये की चटनी, कुछ अनियन रिंग्स और लेमन वेजेस के साथ, जो कि एक परफेक्ट स्टार्टर है आपके पार्टी के लिए। तो अगर आपको मेरे मशरूम टिक्का की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिलीशियस रेसिपी सीखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर लें। इसे शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आप नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हो। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।